ऐसे कैसे? बहू तो संभाल के तो लगाती है ना। आज मैं जितना संभाल के अक्षरा लगाती है ना, शायद उतना कोई ध्यान देता हो। फिर भी कितना पेन होता है, सुबह शाम इंजेक्शन इंजेक्शन। तो नक्शा आप दूसरे हाथ में लगवा लो ना। हाँ, ताकि दोनों हैंड पेन करें और मैं एक भी हाथ यूज नहीं कर पाऊँ। टुकू, जब आपको पेन होता है ना बेटा, तो मुझे भी बहुत पेन होता है, पर क्या करे, लगाना तो पड़ेगा ना। जल्दी से ले लो, फिर स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अक्षरा, लक्ष्य का ब्रेकफास्ट एक टिफिन में डाल दीजिए, स्कूल का टाइम हो गया है, मैं रास्ते में खिला दूंगा। मुझे आपके साथ नहीं जाना। लेकिन नक्ष, नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। अच्छा अच्छा ठीक है, आप गिरजा दीदी के साथ जाओ। नहीं, गिरजा दीदी नहीं, मुस्कान दीदी। पर नक्ष, ओनली मुस्कान दीदी, नहीं तो मैं खुद अकेला स्कूल चला जाऊंगा, जैसे मैं पार्क से आया था। नहीं नहीं ठीक है। मुस्कान दीदी, अब स्कूल तक मुझे छोड़ने चलोगी ना? बाबू, ये क्या सादा खाना भर रही हो तुम यश के डिब्बे में? कुछ अच्छा नहीं बनाया क्या? माँ, मैं सोच रही थी कि अब से यश के लिए स्कूल के टिफिन में सादा खाने ही देंगे। क्यों? वो यश और नक्श दोनों साथ में टिफिन खाते हैं, उसे अच्छा नहीं लगेगा ना कि यश और अनन्या का टिफिन अच्छा और उसका इतना सादा सा। इसलिए मैंने और वर्षा ने तय किया है कि अब से बच्चों के टिफिन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देंगे जो नक्श नहीं खा सकता। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किसी और की वजह से मेरा यश क्यों भुगते? पता चला उसे पूरा पोषण ना मिलने की वजह से वो कमजोर हो गया और बीमार पड़ गया। तुम्हें पता भी है, कमजोरी और लापरवाही की वजह से ही बीमारियां होती है। लेकिन ये बात ना तुम्हें समझ में आएगी ना तुम्हारे घर वालों को। अरे उसने तो अपने बच्चे के सेहत का सत्यानाश कर ही डाला, अब तुम भी करो। अरे हद होती किसी भी बात की, हमेशा उस नक्श की वजह से मेरे यश को कुछ ना कुछ भुगतना ही पड़ता है। यश बेटा, ये डब्बा डालना अपने बस्ते में। अरे ये अंशु और शौर्य ना पागल हो गए इस खेल को लेकर। बेचारी अनन्या को जरा सी देर खिलाया और स्कूल का बहाना करके भेज दिया, अब खुद देखो दोनों को। हाँ माँ, मजा ही इतना रहा कि बचपन की सारी यादें ताजा हो गई। हाँ एक्चुअली हाथ भी बहुत दुख रहा है लेकिन मन ही नहीं भर रहा। तू एक काम कर, ब्रेक ले ले, तेरी जगह वर्षा खेल लेगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना है। आओ ना वर्षा। क्या मुसीबत है, सुबह सुबह कसरत कर लो कर लो, थोड़ा वजन कम हो जाएगा। और थोड़े दिन पहले खुद ही कह रही थी ना कि वजन बढ़ गया। क्या कर रही हो वर्षा, खेलना नहीं आता तो मार क्यों रही हो? खेलना आता है, मैंने इसलिए मारा है क्योंकि आपने मुझे मोटी कहा। अरे तुमने ही तो कहा था, कमाल है तुम लेडीज का, पहले कहती हो वजन बढ़ गया, अब हाँ कहूँ तो मुसीबत, ना कहूँ तो मुसीबत। अच्छा हम मुसीबत है? दादू भाभी बस कीजिए, ये लड़ाई तो अब अंशु ऐसे बंद नहीं होने वाली है। तो भाभी एक काम कीजिए, जिम में जाइए, बेलन उठाइए और दादू को अच्छे से ठीक कीजिए, ये ब्रैकेट जिनका कुछ नहीं होगा। अरे अंशु कैसा भाई है तू, अपने दादू को पिटवाने में लगा हुआ है, बेशरम। जसमीत को आने दे, इन सब के बदल लूंगा तुझसे। कैसा था वो, रास्ते में भी रोया क्या? नहीं, वैसे तो चुप हो गया था पर मूड अभी भी खराब था। थैंक्स मुस्कान। किस लिए भैया? तुमने हमेशा हर तरीके से नक्श की हेल्प की है, हमेशा उसे संभाला है, तब भी जब हम उसे संभाल नहीं पाए। हाँ मुस्कान, सच में थैंक यू वेरी मच। नहीं दीदी, भैया थैंक यू मत कहिए, नक्श है ही इतना प्यारा कि उससे किसी को भी प्यार हो जाए। मैंने जो भी किया उस प्यार के लिए किया, किसी और के लिए नहीं। ओके स्टूडेंट, फुटबॉल टीम प्रैक्टिस करो, आज रोहन सर आने वाले हैं, मैं तो वेट कर रहा हूँ उनसे मिलने का। नक्श तुम जाकर वहां छाव में बैठो। म
माँ जी मैं आपसे कटती हूँ, आपने क्यों मुझे बीमार किया? अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल भी नहीं खेल सकता। Very impressive. बास्केटबॉल से ऐसी किक मार रहा है तो फुटबॉल को किक मार के क्या करेगा बेकम? शुरुआत अच्छी है रोहन राजपूत, खेलने वाले बच्चे अगर ऐसे हैं तो मजा आ जाएगा खेलने में भी और सिखाने में भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो रोहन सर। हेलो, हाउ आर यू? प्लीज कम। या चलिए आइए सर। भाभी माँ क्या सोच रही हैं? बेटा यही कि लल्ला का दिल लग गया होगा कि नहीं स्कूल में। मैं भी यही सोच रही हूँ भाभी माँ, पढ़ाई में तो किसी तरह उसने मन लगा लिया पर अब स्कूल तो। अरे हाँ, वो मास्टर जी नहीं आए कितने दिनों से? हम ही ने नहीं बुलाया तो कहाँ से आएंगे, पर अब बुलाना पड़ेगा भाभी माँ, पढ़ाई तो करनी है। हाँ, तेरे अपने पास तो बिल्कुल भी समय नहीं निकलता, सुधार महाराज जी थे तो फिर भी थोड़ा समय मिल जाता था पर अब तो बिल्कुल भी। हाँ भाभी माँ, उनकी वजह से बहुत मदद मिल जाती थी, घर का कितना काम वो संभाल लेते थे, अब तो सारा लोड गिरजा पर ही आ गया है, अब तो मुझे लगता है कोई ना कोई ढूंढना ही पड़ेगा। और अब वो आएंगे भी नहीं, नए महाराज के लिए मैंने कितने लोगों को बोला। एक काम करती हूँ, मैं भी दो तीन लोगों को बोल देती हूँ, हो सकता है कोई मिल जाए। हाँ मॉम, मॉम वो जैस का फोन आया था, उसको अपने कजिन्स के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, वो मुझे साथ चलने को कह रही है, तो जाऊं? हाँ एक बार भाभी माँ से पूछ लेना। उनसे तो पहले ही पूछ लिया, उन्होंने कहा जाओ। अच्छा ये बताइए आपके लिए क्या लाना है? मेरे लिए कुछ नहीं लाना है, अगर तुम्हें कुछ पसंद आ जाए तो ले लेना अपने लिए, ये रख लो कुछ पैसे। नहीं मॉम रहने दीजिए, जो तुम्हें अच्छा लगे ले आना। बाय बाय। ऐसा कब तक चलेगा? बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा।
थैंक्स रोहन हमारी रिक्वेस्ट मानने के लिए। अब हमें पूरा यकीन है कि हमारी टीम जरूर जीतेगी। बस अब आप हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस भर दीजिए, फिर ट्रॉफी हमारी। सर मेरे कोच ने मुझे कहा था कि अगर कभी खेलना हो तो ट्रॉफी जीतने के लिए कभी मत खेलो, जस्ट प्ले फॉर द लव ऑफ द स्पोर्ट। राइट, किसी भी खेल को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। यही चीज मैं बच्चों के अंदर डालना चाहता हूँ कि अगर वो खेल को एंजॉय करना सीखेंगे तो फिर हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वेल सेड रोहन, आई होप हमारे स्टूडेंट्स आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मिस्टर बत्रा, आप इन्हें ग्राउंड में ले जाइए, बच्चे आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मिलना तो मैं भी चाहूंगा उनसे, प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, राइट एन एसे। ना तुझे मिलना है रोहन सर से। मिस को बोल तुझे वॉशरूम जाना है और ग्राउंड में चला जा। वैसे दिखने का क्या फायदा, मुझे तो उनके साथ फुटबॉल खेलना है। ओके स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक है माय ड्रीम, चलिए स्टार्ट कीजिए। जी नैते। अच्छा क्या कर रही हैं? वो डॉक्टर को ना डुगू की रीडिंग्स मेल कर रही थी, तो फिर एक आर्टिकल दिख गया डुगू की बीमारी के बारे में, बस वही पढ़ रही हूँ। मैं नेट पे चेक कर रहा था, हमारे शहर में बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें करने के लिए, तरह तरह की वर्कशॉप्स हैं, एंटरटेनमेंट है। आप प्लीज नक्श को लेकर जाइए ना कहीं, क्योंकि मैं मेरे पास टाइम देख मैं ले जाऊंगी, आप प्लीज परेशान मत होइए। हर्षा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ जबकि उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त। आप प्लीज खुद को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी क्या गलती है। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था जब मैं डुगू के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी, पर फिर माँ ने ही मुझे समझाया कि वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है, पर अगर मुस्कुरा के बिताए ना तो अच्छा ही बीतता है। हाँ अक्षर। ओके बॉयज, सारे के सारे बच्चे एक बात बताओ, सबको फुटबॉल खेलना पसंद है? Yes, sir. जोर से बोलो, जोर से। Yes, sir. सर प्लीज अपना वो सिग्नेचर हेलो करके दिखाइए ना जो आप अपनी टीम के साथ करते हैं। बेटा वो वाला हेलो उस टीम के साथ था, इस टीम के साथ हम लोग एक नया हेलो बनाएंगे। ओके कमन, मेक अ हडल, शोल्डर इन एंड या। ओके नाउ टेल मी, तुम्हारी टीम का नाम क्या है? स्कूल का नाम मत लेना कोई भी, मुझे टीम का नाम पता करना है। रिमेंबर, टीम का नाम बहुत जरूरी है, उससे पता चलता है कि तुम्हारी टीम का मोटो क्या है, तुम्हारी टीम का एटीट्यूड क्या है। कम ऑन, मतलब कोई नाम नहीं है? नो सर। तो ठीक है, सबसे पहले टीम का नाम रखते हैं। उदयपुर रॉयल्स। ओके। ड्रैगन फुटबॉलर्स। ड्रैगन फुटबॉलर्स। और कोई? मास्टर ब्लास्टर। हाउ अबाउट डेजर्ट फॉक्सेस? ओके 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 ओके, तो तय हो गया, टीम का नाम होगा क्या? डेजर्ट फॉक्सेस। जोर से। डेजर्ट फॉक्सेस। ब्रिलियंट। अच्छा इससे पहले कि मैं आपको कुछ सिखाऊं, आप पहले ये दिखाइए कि आपको क्या आता है, मतलब आप लोगों को फुटबॉल के साथ मैजिक करना आता है? मैजिक? हाँ, कोई भी ऐसी किक या ऐसी ट्रिक जो कि और कोई ना कर सकता हो, एनीबॉडी है? चलो चलो चलो, कम ऑन शो मी। कम ऑन बॉयज। नक्श बेटा आपने पानी पिया? गुड, तो अब आप जाइए वॉशरूम होके आइए। ओके गो। गुड वर्क। तो सबकी बारी आ गई? यस सर। पक्का सारे बच्चे यहीं पे, कोई मिसिंग तो नहीं? नहीं रोहन सर, पूरी टीम यही है। Where are you, buddy? Okay, boys, water break. चलो। वो बच्चा कहाँ गया? उस जैसा कोई भी नहीं है। क्या आप कह रहे हो भाई डॉट? मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं, पता नहीं किस क्लास में है। लगता है यहाँ किसी को पता नहीं है कि वो इतना अच्छा खेलता है। मुझे पता करना चाहिए उसके बारे में, पर कैसे? कुछ कलेज ग्रुप के यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन सबसे मिलना चाहूँगा। पूरी टीम तो यही है। मैं चाहता हूँ कि एक बार इस एज ग्रुप के सारे बच्चों से मिल लूँ। ओके सर, थैंक यू। मैं तो अभी अभी शॉपिंग से ही आ रही हूँ। ओ हो, शॉपिंग कहाँ गई थी? जगदीश बाजार। वो तो तेरा फेवरेट है ना, तो ये बता क्या लिया?
इनफैक्ट ये बता कि कितने उड़ाए? कुछ मिला ही नहीं ढंग का। देख मूस, तू मुझसे तो झूठ मत ही बोल। ये डिसीजन हमारा था कि हम मॉम के साथ रहेंगे, और अब जो है जैसा है हमें उसी में मैनेज करना पड़ेगा। यस भाई, हम मॉम पे बर्डन नहीं बन सकते ना। हम यहाँ मॉम से वो प्यार लेने आए हैं जो हमारी लाइफ में मिसिंग रहा है। मेरी छोटी बहन कितनी बड़ी हो गई है ना, कभी कभी तो मुझे खुद हैरानी होती है। थैंक्स भाई। अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। बाय। मजा भी हिसाब से ही लेना चाहिए, वरना सजा बनते देर नहीं लगती। टुकु आ गया, खेलो खेलो खेलो। देखना दीदी, इस बार क्वीन तो मैं ही जीतूंगी। हो ही नहीं सकता, क्वीन तो मेरी ही है। अच्छा ये देखो, ये देखो। अरे ये तो चीटिंग है। हाँ हाँ, ये गलत है मुस्कान। नहीं नहीं, बेईमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ अरे दुगु, अच्छा आप ही बताओ, जिस तरह से मुस्कान दीदी खेल रही है वो गलत है ना? लल्ला अपनी माँ की मदद कर बेटा। अब देखो तुम कैसे मेरा बेटा अपनी मम्मा को हारने से बचाता है। चलो ठीक है, देखते हैं। बहुत मन दुखता है, क्या जिंदगी भर मेरा बच्चा ऐसे ही रहेगा? क्या हमेशा ऐसे ही देखेंगे हम उसे? चुकू, कब से आप यही खेल खेल रहे हो बेटा? बस करो ना, आप कुछ और कर लो। ठीक है हैप्पी, फुटबॉल खेलना भी बंद करा दिया था ना, अब ये भी खेलना बंद करा दो। अब बेटा सॉरी बेटा, लो लो खेलो। एक बार आपका ये हो जाए तो फिर होमवर्क करेंगे। मुझे बता देना, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, पर मैं स्कूल ही नहीं जा रहा हूँ। क्यों? मैंने बोला ना मुझे स्कूल नहीं जाना तो नहीं जाना। पर बेटा कोई कारण हो तो बात अलग है, बिना कारण के स्कूल मिस करना ये ठीक नहीं है ना। फुटबॉल खेलने के लिए बीमार हूँ, पर पढ़ने के लिए नहीं। ठीक है मत जाना कल स्कूल। ओके हेलो हेलो, तू क्या कर रहा है? होमवर्क हो गया? नहीं मैं नहीं कर रहा। क्यों? मिस गुस्सा करेंगी। मैं स्कूल ही नहीं आऊंगा तो कैसे गुस्सा करेंगी? तू बीमार है? नहीं, पर सब लोग यही समझते हैं और सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सब लोग फुटबॉल खेलते रहते हैं और टीचर मुझे कोने में बिठा दिए और सबके सामने बार बार पूछती रहती है, नक्श तुम्हें वॉशरूम जाना है, नक्श आर यू ऑल राइट। मुझे बहुत गुस्सा आता है और रोना भी, और जब रोहन सर सबको कोचिंग देते रहते हैं और मैं कोने में बैठ के देखता रहता हूँ। तूने मामी को बोला? नहीं मैंने बस मम्मा को बोला कि मुझे स्कूल नहीं जाना और वो मान गई। बीमार होने का यही फायदा है, सब लोग आपकी बात सुनते हैं। सॉरी अक्षरा, मैंने जल्दी आने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं लेट हो ही गया। एक्चुअली मीटिंग इतनी लंबी चली कि कोई बात नहीं, नैतिक मैं समझती हूँ। अक्षरा क्या कर रहा है? अपने कमरे में ही है, जब से आया है तब से वीडियो गेम ही खेल रहा है, बाहर ही नहीं आया। इट्स ओके अक्षरा, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पता नहीं नैतिक, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं उसे इस बीमारी की आदत ना पड़ जाए। क्यों, ऐसा कुछ हुआ है क्या? आप ऐसा क्यों कह रही? उसकी बीमारी ना उसके शरीर के साथ साथ कहीं ना कहीं उसके मन को भी कमजोर कर रही। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।